Hello everyone, good morning and welcome back to our channel and hope you all are doing well. सुबह का दिन है आज. एक्चुअली मई को स्कूल भेजने की तैयारी चल रही है यहाँ पे. आज ना थोड़ी सी लेट हो गई मेरी उठने में. अभी 6:45 हो रहा है तो मैंने फटाफट से उठा और जैम ब्रेड बनाने का तैयारी कर रही हूँ. आज कुछ बनाने का मतलब टाइम ही नहीं है. मैं कुछ टिफ़िन रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि जैम ब्रेड और बटर ब्रेड दे रही हूँ, साथ में एक चीज़ क्यूब कट करके दे दूँगी. यही एक लंच बॉक्स है जो बहुत जल्दी बन जाती है, नहीं तो बाकी सारे लंच बॉक्स बनाने में तो बहुत ही टाइम लग जाती है. एक्चुअली मेरा ना आज अलार्म बजा ही नहीं, इतना मतलब लेट हो गया था. अलार्म आज बजा ही नहीं, पता नहीं मुझे सुना ही नहीं पड़ा. कल रात को एक्चुअली मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो यही वाली ब्लॉग एडिटिंग कर रही थी, तो उसमें इतना सारा टाइम चला गया है और इसके वजह से सोते सोते मेरा 2 बज गया था और इसी वजह से शायद मुझे अलार्म सुनाई नहीं पड़ा. एक ही बार में आँख खुला मेरा 6:45 और फटाफट से मैं फ्रेशन अप हुई और आ गई किचन में और अभी मैं उसका लंच बॉक्स ढूंढ रही हूँ. एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, रात को मैं उसका लंच बॉक्स जो धो देती हूँ ना दोपहर को, उसको एकदम सेटअप करके सामने, हम मतलब हाथ की सामने डिश वॉशर के ऊपर या फ्रिज के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ ताकि सुबह में फटाफट से मिल जाए. एक तो आज मेरा हो गया है लेट और ऊपर से लंच बॉक्स भी मुझे ढूंढना पड़ा. और बस मैं वही कर रही हूँ. यहाँ पे थोड़ी सी ना पनीर भी मैंने सौते कर लिया. मैंने सोचा चलो सिर्फ चीज़ क्यूब क्या देती, मैं थोड़ा सा पनीर था लंबा लंबा कट करके उसको मैं सौते कर लिया थोड़ा सा. और गैस के ईद गिर्द लग जाती है ना ऑयल, तो उसको मैं थोड़ा सा मतलब सही कर रही हूँ. कैसा चिपचिपाहट हो जाती है ना, वही चीज़ मैं कर रही हूँ. और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ क्यूब भी मैं डाली, तो चलिए फटाफट से लंच बॉक्स रेडी करके मैं अभी रूम में जाके मैं को उठाऊँगी, स्कूल के लिए उसको रेडी करूँगी. और बस अभी उसको उठा दिया है, बाकी शेखर जी उनके पीछे लग गए हैं ऑलरेडी. और मैं यहाँ पे बना रही हूँ हम लोगों के लिए थोड़ी सी चाय. बिना चाय की दिन की शुरुआत नहीं कर सकती हूँ जी. किस किस को ये प्रॉब्लम है, मतलब किस किस के घर में ये चीज़ होती है कि बिना चाय की शुरुआत ही नहीं होती है दिन का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर बताइएगा. एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो और इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो. तो चलिए जी, मेरा चाय तो बनके रेडी हो गई है. अब चलिए जल्दी से हस्बैंड को चाय दे देती हूँ और उसके बाद मैं खुद का चाय ले लेती हूँ. गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? तुम बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट खाएगा, दुगु मेरा बिकू खाएगा हैं? पीछे खाता है, यहाँ से खा के यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से खा के आम काले, आम काले, आम काले, नाकू खा ले, अब नाकू खा ले, हम नाकू खा ले. और मैं कि यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा बिज़ी रहता है, थोड़ा सा देखते रहता है बाहर, तो वो यहाँ पे देखे. तो चलिए अभी फटाफट से हम लोग चाय पी के आते हैं, थोड़ी सी बातें शातें करेंगे हस्बैंड के साथ और क्या. चलिए मिलवाती हूँ मैं आप लोगों से. गुड मॉर्निंग. और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर. यहाँ पे ना मैं का बुक्स वगैरह रहता है, तो उसका जो रेगुलर वाली रूटीन शेड्यूल होती है ना क्लास की, उसको मैं ही सेट करके देती हूँ. अभी वो उतना बड़ा नहीं हुआ है ना कि खुद का शेड्यूल वो खुद सेट कर लेगा, तो बस स्कूल में सिखा रहा है एक दो चीज़ जो खुद से ही कर लेता है, लेकिन बाकी सारे मैं चेक कर लेती हूँ, शेड्यूल उसका रेडी कर देती हूँ. ये तो हो गया उसका रेडी और उसके बाद मैं आ गई हूँ उसको तैयारी कराने. और उसका शूज़ लेस अभी तक बांधना वो सीखा नहीं. हाँ थोड़ी बहुत मैं पैम्पर कर लेती हूँ उसको. आप लोग बोलोगे कि आप ज़्यादा पैम्पर करती हो, बहुत कोई मुझे बोलता भी ऑलरेडी है कि आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हो बच्चे को, उसको खुद से करने दो.
गाइस वो खुद से तो करेगा ही, और 2-4 साल बाद ना यही सब जो चीज़ होती है ना ये मैं मिस करूँगी। कभी कभी वो खुद से खाना खा लेता है ना तो मुझे इतना बुरा लगता है, इतना हर्ट होती हूँ मैं कि बच्चा मेरा इतना जल्दी बड़ा हो गया, छोटा सा तो था, मैं ही तो खिलाती थी। एक्चुअली ये जो फेज़ है ना ये मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ, इसलिए ना बहुत कोई मुझे बोलता है कि अब सब समय हंसते हंसते काम कर लेती हूँ। हाँ जी मैं खुश होके काम करती हूँ क्योंकि ये फेज़ कुछ साल बाद मैं मिस करने वाली हूँ। बच्चा बड़ा हो जाएगा, खुद से सब चीज़ करने लगेगा, तब मम्मी का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा। और तो ये अभी जब उसका मम्मी का ज़रूरत है तो मैं हंसते हंसते ये चीज़ कर देती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए उसको तो मैंने यहाँ पे फटाफट से रेडी कर ही दिया है और यहाँ पे उसके साथ थोड़ी सी मजाक में कर रही हूँ। और अभी तो चला जाएगा बच्चा 2-4 घंटा के लिए, मतलब 5-6 घंटा के लिए स्कूल चला जाएगा, तो बस वही मैं उसको अभी पूरी तरह से रेडी कर दूँ, थोड़ी सी उसके साथ बदमाशी कर लूँ। मतलब बच्चों के साथ बच्चे बनना ना वो भी बड़ा एक कला होती है कि बच्चे आपको पसंद करने लगे, कि बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाओ। देखिए मैं क्या मुझे समझा रहा है कि मम्मी ये करो मम्मी वो करो, और बेसिकली यहाँ पे वो पंजा लड़ा रहा था मेरे साथ कि मम्मी हमको पंजा लड़ना है, जो जीतेगा वो बैग लेके नीचे जाएगा। तो मैंने चलिए जानबूझ के, मतलब मैं ही उसका बैग लेके नीचे जाती हूँ हमेशा, तो वही चीज़ किया। तो बस यहाँ पे वो लोग रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए और हस्बैंड जाएंगे छोड़ने एज़ यूज़ुअल मैं को स्कूल। फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी हम लोगों का, और आज ना बहुत अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी क्योंकि सुबह लेट उठी थी। और मैं के लिए वो मैं रख भी दूंगी थोड़ा सा, ताकि वो भी स्कूल से आके थोड़ा सा टेस्ट कर ले, क्योंकि उसका ही फेवरेट, मतलब हम सब तीनों का फेवरेट चीज़ मैं बनाने वाली हूँ आज यहाँ पे। तो चलिए मैं तो रेडी हो गया, बाय बाय कर दे रहा है, बाय बाय एंड स्कूल चला गया। वो आएगा वो 5-6 घंटा बाद, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और बस मैं ऊपर आ गई थी उसको ड्रॉप करने, मतलब छोड़ने के बाद ऊपर आके जितना सारा ये लॉट शाम को दी थी ना कल, मैं आप लोग देखे हो पिछला ब्लॉग में कि शाम को मैं ऊपर में कपड़ा डालती हूँ, तो बस ऊपर में डाली थी, सारे कपड़े सूख गए एक लॉट का, और मशीन में मेरा लगाया हुआ है तो वहाँ पे ये मतलब ये जो रो है ना ये खाली हो गया, तो एक लॉट और मैं डाल दूँगी। एवरी डे बेसिस में मेरा 2 लॉट कपड़ा तो होता ही। और लुक एट दिस, दिस इज़ माई प्लांट। आप लोग बोल रहे थे ना मुझे, दी आप क्या करती हो प्लांट्स में, मैं बोली था प्लांट्स में आप जतन करो, उसको रेगुलर बेसिस में पानी दो, तो प्लांट्स भी आपको हरा भरा होके फ्लावर देके आपका मन भी खुश कर देगा। तो वही मैं दिखा रही हूँ कितना सारा फ्लावर आया है मेरा प्लांट्स में, देख के दिल खुश हो गया। सुबह का सारा काम निपटाते निपटाते ना मेरा हालत खराब हो गया। अभी ये वाला जो है मैं लेके नीचे जाऊँ और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी बनाना है, अभी ये तो नहीं हुआ है। तो चलो अभी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और ब्रेकफास्ट रेसिपी आज मैं कुछ शेयर करने वाली नहीं हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया है ना। चलो पहले मैं नीचे उठूँ फिर मैं बात करती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ अभी किचन में। मैं सोची थी कोई ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मुझे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं फटाफट वाली एक ब्रेकफास्ट रेसिपी मैं शेयर करूँगी। फ्रिज में चिकन रखा हुआ है उसी का कुछ बनाऊँगी और आप लोग भी बना सकते हो। और फिलहाल हस्बैंड तो मतलब मैं को स्कूल छोड़ के, मतलब स्कूल में ड्रॉप करके आ गए हैं घर, तो उनके लिए और मेरे लिए बन रही है अभी चाय। तो मैं थोड़ी सी चाय बना लूँगी अभी। सुबह में ना ऐसे 2 टाइम चाय हो ही जाती है क्योंकि सुबह का चाय, अब हम लोग इतना जल्दी जल्दी अफरा तफरी मतलब हड़ी बड़ी में चाय पीते हैं ना, कि अभी का टाइम मतलब अभी हो रहा है 8:10:15, इस टाइम पे हम लोग एक बार चाय और पी लेते हैं और उसके बाद एनर्जी गेन करके फिर मैं उतरती हूँ अपना मैदान पे काम करने के लिए। फिर तो चलने ही वाला है रात को 10 बजे तक, तो बस ये चाय बड़ा मैटर करता है। तो फिलहाल मैं और हस्बैंड बैठ के थोड़ा सा चाय पियेंगे, थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे। किस चीज़ का प्लानिंग वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। एक्चुअली कल परसों में मतलब कल का दिन ये ब्लॉग जाएगा, परसों से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, उसका बहुत सारी डिस्कशन रहता है, तो बहुत सारे बातचीत रहते हैं कि कैसे क्या करेंगे। हम लोग का घर में घट नहीं बैठता है माँ का,
ठाकुरबाड़ी जाना पड़ता है मंदिर में, वहाँ दुर्गा पूजा होते हैं। तो दुर्गा पूजा में, सॉरी मैं पूजा बोली हूँ फिर से, एक्चुअली बोला जाता है दुर्गा पूजो स्टार्ट होने वाली है। तो बस पूरा कोलकाता में दुर्गा पूजो का जो वाइब्स है ना गाइस, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जरूर से शेयर करूँगी। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फटाफट से मैंने अपना चाय ख़त्म किया और यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे थे और बस आगे ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि हस्बैंड का फरमाइश हुआ है। मैं कुछ और बनाने का सोच रही थी, हस्बैंड का कुछ और फरमाइश आ गया तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे प्याज को मैं चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं, आप लोग देख ही लोगे मैं क्या बना रही हूँ, बेसिकली फटाफट वाली ब्रेकफास्ट कुछ बना रही हूँ। तो प्याज को मैं यहाँ पे चॉप कर लिया। अच्छा, बाय द वे, किसी ने मुझे पूछा था ये चॉपर मैंने कहाँ से लिया, ये बजाज, मतलब कौन सा कंपनी का है, ये बजाज कंपनी का है और ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो नहीं, शायद मैंने स्टोर से जाके लिया था, तो अमेजोन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बाय द वे, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई मुझसे पूछा था तो मैंने उनका जवाब दे दिया है। और ये बहुत अच्छी वर्क कर रही है अभी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाता है। तो मैंने मीनवाइल यहाँ पे एक पैन गरम करने के लिए चढ़ा दिया था, उसमें ले लिया है मास्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो ये थोड़ी सी गरम होगी, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वॉश किया हुआ चिकन। चिकन को यहाँ पे ही ऑयल में थोड़ी सी भूनना है, फुल ऑफ फ्लेम में, हाई फ्लेम में इसको भूनिए बहुत अच्छी तरीके से। और भूनने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन। आप चाहे तो हाथ से भी बहुत बारीक करके चॉप कर सकते हैं, लेकिन हाथ में ना इतना बारीक नहीं होती है और ग्रेवी भी बहुत मस्त बनती है। मतलब आप अगर सूखे में भी बना रहे हो तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बन जाती है। तो बस प्याज चॉप कर लिया मैंने और प्याज को मैंने डाल दिया। प्याज को भूनना है चिकन के साथ ही फुल ऑफ फ्लेम में। देखिए प्याज के कलर थोड़ी बहुत चेंजेस होने लगे हैं, ट्रांसलूसेंट टाइप का हो गया है प्याज, ज़्यादा और पकाना नहीं है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो और ग्रीन चिली का पेस्ट, मतलब प्योरी प्योरी कर लिया था मैंने। ये थोड़ा सा दरदरा ही पीसता है इसमें, तो वही मुझे चाहिए था। बस इसमें थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया है और नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा इसमें ना, थोड़ी सी रेडिश टिंट आना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रेड रेड वाइब्स आती है, बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली। तो बस आपके पास अगर बेल पेपर हो ना, जैसे ग्रीन वाली, येलो वाली और जो होती है रेड वाली, वो भी आप ऐड कर सकते हो, उसमें ये बहुत टेस्टी लगता है। साथ में मैं थोड़ी सी स्टर फ्राई ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी तीखापन तीखापन होता है इसमें टेस्ट में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने ना, बाय द वे, ये मैंने ऑनलाइन से नहीं मंगाया, मैंने स्मार्ट बाजार से लिया था। तो आप लोग पूछते रहते हो तो मैं बता दिया बस। बस यहाँ एक साइड में ना थोड़ी सी ऑयल में ले लूँगी, क्योंकि प्याज चिकन और मसाले थोड़ी बहुत भून चुके हैं। थोड़ी सी ऑयल ले या एक अंडा फोड़ के डालूंगी इसमें, क्योंकि अंडा मिक्स करना जरूरी है। बाय द वे, मैं एक चिकन सैंडविच बना रही हूँ यहाँ पे और बहुत ही जल्दी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। एग्स को बहुत अच्छे से भून लीजिए, एकदम अच्छे से ये फ्राई हो जाना चाहिए, इसका जो स्मेल होती है ना वो नहीं रहनी चाहिए। बस अंडा को बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिए और उसके साथ मिक्स कर दीजिए, मतलब चिकन और मसालों के साथ अंडा को मिक्स कर दीजिए। इसका जो स्वाद होगा ना, जब सैंडविच जब खाएंगे तब आपको पता चलेगा। आप लोग घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, फटाफट से बन भी जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। थोड़ी सी गेहूँ का आटा मैं इसमें छिड़क रही हूँ बाइंडिंग के लिए, ताकि जितना सारा मॉइस्ट है वो जल्दी सोख हो जाए और उसके साथ एक बाइंडनेस आए इसमें, मतलब जो खुला खुला चीज़ है ना वो चीज़ ना रहे, एक बाइंड हो जाए। अब लड्डू बनाऊँ तो अच्छे से बंद हो जाए, तो वैसे ही तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ी सी गेहूं का आटा मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से इसको स्टर दे दिया, मिक्स दे दिया है और इसको ढक्कन लगा के भी छोड़ देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है थोड़ी सी ठंडा होने के लिए। मीनवाइल मैंने अपना सैंडविच में का निकाल लिया, इस
इसमें मैं ऑयल को स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से ब्रश की मदद से। ऐसे ही आप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा। मैं थोड़ी सी ना कम ऑयल इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा हेल्दी रहती है। तो बस यहाँ पे मैं स्टफिंग भर दिया ब्रेड में, और ब्रेड सेकने के लिए यहाँ पे छोड़ना है। और ये सैंडविच मेकर ना मैंने ये भी मैंने ऑनलाइन शायद परचेस किया था, लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और ये देखिए, ये एकदम फटाफट से रेडी हो गया, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ये। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए किया क्योंकि आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते रहते हो, दी ये कहाँ का, ये कहाँ का। हाँ बाय द वे, मुझे ये चीज़ बहुत बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि आप लोग मुझे देखते हो, कमेंट सेक्शन में बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि मेरी फैमिली मुझसे पूछ रही है, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो एनीवेज, एक लॉट मेरा हो चुका है और दूसरा लॉट के लिए भी ये तैयार है। तो फटाफट से मैं दूसरा लॉट भी लगा देती हूँ यहाँ पे, और लीड लगा दूँगी सैंडविच मेकर का। और ये सैंडविच सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनके रेडी हो जाते हैं और इतना यम और टेस्टी बनते हैं। चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। सबसे पहले ना इसको कट कर लेती हूँ बीच से। ये बीच से जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये सैंडविच मेकर के अंदर ही हो जाती है। वो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही ये ऐसे हो जाते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट है। आप लोग चाहो तो सैंडविच मेकर ले सकते हो, और बच्चे का टिफ़िन के लिए तो बहुत ही ज़रूरत होता है क्योंकि बच्चे का मन हो जाता है कि मम्मा सैंडविच खाना है। जब सैंडविच खाना है बच्चे को तो सैंडविच मेकर होना भी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता था, इसलिए मैंने ले लिया। तो अभी सैंडविच बहुत फ्रिक्वेंटली बन रही है मेरे घर में और सबको बहुत पसंद भी है। एनीवेज, चलो ये तो रेडी हो गया, इसको अब प्लेटिंग कर लेती हूँ मैं। और बाय द वे, प्लेटिंग करने में लग गई, एक बात बोलूँ, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये हम लोगों का आज की ब्रेकफास्ट है, आइए आप लोग और हम लोग साथ में इंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। और पसंद आए रेसिपी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दिस वीकेंड ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। परसों से तो नहीं होगा ट्राई, लेकिन कल ही, मतलब कल ये वीडियो जाएगी तो कल के कल ही आप लोग ट्राई कर सकते हो। और बस ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर दूँगी, और मैं टमाटो केचप को इस तरह से थोड़ी सी प्रोफेशनल टच देने की कोशिश की। और बस, और क्या, ये था हम लोगों का आज का गर्मा गर्म और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट। ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ परमा कुर्मी ब्लॉग। और ये ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि दोपहर का भी लंच बहुत ज़बरदस्त बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, आज मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइज।